पूजा के उपचार भगवान वराह बोले, बद्रे अब मैं प्रायश्चित का तत्व पूर्ण पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे तुम सुनो। भक्त को चाहिए मंत्र विद्या की सहायता से यथावत सभी वस्तु मुझे या मुझे व अन्य देवताओं को अर्पण करे, फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण कर। दिवट का काष्ठ उठाना चाहिए, दीपकाष्ठ का भूमि स्पर्श करना आवश्यक है, अतः जब तक यह पृथ्वी का स्पर्श न करे तब तक दीपक जलाना निषिद्ध है। दीपक जलाने के पश्चात हाथ धो लेना चाहिए, तत्पश्चात पुनः इष्ट देव के पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उसे चरणों की वंदना करनी चाहिए, फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र भाव से भगवान को दंत धावन देना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान प्रत्येक भुवन आपका स्वरूप है, आपके द्वारा सूर्य का तेज भी कुंठित रहता है, आप अनादि अनंत और सर्व स्वरूप हैं। ये दंत धावन आप स्वीकार कीजिए, वह सुंदरे तुमको जो कुछ कहा है वह सर्वधर्म से निर्णित है। श्री विग्रह के हाथ में दंत धावन देखकर पुनः यथावत तो कर्म करना चाहिए। इष्ट देव के सिर से निर्माल्य उतार कर उसे स्वयं अपने सिर पर रखे। सुंदरी इसके बाद जल से हाथ को शुद्ध कर मुख प्रक्षालन आदि कर्म करना चाहिए, फिर शुद्ध जल से इष्ट देवता के मुख को प्रक्षालन करे। सुंदरी इसका मंत्र इस प्रकार है, इस मंत्र से पूजा करने के फलस्वरूप पूजा का संसार से मुक्त हो जाता है। मंत्र का भाव ये है, भगवान आत्मा मतलब विष्णु स्वरूप इस जल को ग्रहण करे, इसी जल द्वारा अन्य देवताओं को भी सदा अपना मुख धोया है। फिर पंचरात्र मंत्र द्वारा सुंदर चंदन धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जिसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर ये प्रार्थना करें, भगवान आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आप नारायण को मेरा नमस्कार है, पुनः प्रार्थना करें भगवान आपकी कृपा से मंत्र के जानने वाले यज्ञ करने में सफल होते हैं, प्राणियों की सृष्टि आपकी ही कृपा से होती है। माधवी इस प्रकार प्रायः प्रातः काल उठकर फिर अन्य फूल हाथ में ले मुझ में श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी पुरुष पवित्र होकर मुझ देवेश्वर की पूजा करे। संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर वह भूमि पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे और प्रार्थना करे, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। फिर सिर पर अंजलि रखकर निर्मल निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शास्त्रों के प्रभाव से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर साधक की यदि आपको पाने की इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। योगियों को भी आपकी कृपा से ही मुक्ति सुलभ हुई, अतः मैं भी आपके उपासना कार्य करने में संलग्न हो गया हूँ। आपकी शास्त्रीय आज्ञा का मैंने संपादन किया है, इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। फिर मेरी भक्ति में संलग्न रहने वाला पुरुष साधक पुरुष इस प्रकार शास्त्र की विधि का पालन कर कुछ देर तक मेरी प्रार्थना करे। मेरा भक्त कोई भी क्रिया उतावले से न करे। इस प्रकार सभी कार्य संपन्न कर मेरी भक्ति में दृढ़ आस्था रखने वाला पुरुष द्रुत तथा तेल से मेरा अभ्यंगन करे। कार्य संपादन करने वाला मंत्रज्ञ व्यक्ति तेल द्रुत आदि स्नेह पदार्थों की ओर लक्ष्य कर एकाग्रचित से इस प्रकार उच्चारण करें, लोकनाथ प्रेम के साथ मैं ये सिग्न पदार्थ लेकर आपको अपने हाथ से अर्पण कर रहा हूँ, आपके इसके फलस्वरूप संपूर्ण लोकों में मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवान आपको मेरा वारंवार नमस्कार है, मेरे मुख से जो अनुचित बात निकली गई है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तक पर स्नेह पदार्थ तेल या घी लगाना चाहिए, पहले उसे मेरे दाहिने अंग में लगाकर फिर बाएं अंग में लगाए, उसके बाद पीठ में लगाकर कटिभाग में लगाने की विधि है। बद्रे उसके पश्चात अपने व्रत में अटल रहने वाला पुरुष गाय के गोबर से भूमि का उपलेपन करे। बद्रे गौमय द्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुनने से प्राणियों को जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूँ सुनो, साथ ही मैं अभ्यंजन करने का पुण्य भी सुनाता हूँ। उसकी जितनी बूंदे मतलब उस गोमय की पृथ्वी पर तथा इत्र तेल आदि की इष्ट देव के ऊपर गिरती हैं, इतने हजार वर्षों तक वह श्रद्धालु पुरुष स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात उसे पुण्यात्माओं के लोक प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गात्रों में तेल अथवा द्रुत से अभ्यंगन करता है वह एक एक कण की जितनी संख्याएं होती है इतने हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में रहता है और मेरे उस लोक में उसकी प्रधान प्रतिष्ठा होती है। भद्रे अब जो सुगंधित वस्तुओं से बना हुआ अनुलेप मुझे प्रिय है उसे बताता हूँ, जिससे मेरे अंग को
अंग तो शुद्ध होते ही हैं, मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्य संपादन करने वाला शास्त्र ज्ञानी पुरुष लोध पीपर मधु मधुक मतलब महुआ और अश्वपर्ण अथवा रोहिण एवं कटिक आदि के चूर्ण को एकत्र करके उपलेपन बनाए तो उसे अधिक प्रिय है। वह अनुलेपन अथवा अन्य कण अन्नों के चूर्ण द्वारा भी अनुलेपन बनाया जा सकता है। जिसके हाथों द्वारा मेरा अनुलेप होता है उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि यह अनुलेपन मेरे शरीर को बहुत सुख देने वाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यदि मेरी भक्ति करने वाला पुरुष सिद्धि चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन करा लगाकर मेरा स्नान कराए। इसके बाद आमला और सुगंधित उत्तम पदार्थों को एकत्र करे और दृढ़व्रती पुरुष इससे मेरे संपूर्ण गात्रों को मले। तत्पश्चात जल का घड़ा लेकर इस आशय का उच्चारण मंत्र उच्चारण करे। भगवान आप देवताओं के भी देवता अनादि सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है, व्यक्त रूप से पधार कर ये स्नान स्वीकार कीजिए। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष इस प्रकार कहकर मेरा स्नान कराए। घड़ा धोने अथवा चांदी का घड़ा सोने अथवा चांदी का हो, यदि ये द्रव्य न उत्पन्न हो सके तो यदि ये दुर्द्रव्य न उपलब्ध हो सके तो कर्म का ज्ञान रखने वाला पुरुष मेरा तांबे के घड़े से स्नान करा सकता है। इस प्रकार सविधिक कर्म से स्नान कराकर मंत्रों को पढ़ते हुए चंदन अर्पण करना चाहिए। मंत्रार्थ ये है, प्रभु संपूर्ण गंधों से आपके मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चंदन कहीं प्रकार के होते हैं, ये शास्त्र की सम्मति है। ये सभी देवता देवादि लोकों में उत्पन्न होते हैं, आपकी कृपा से सत्कार्यों में इसका उपयोग होता है। मैंने आपके अंगों में लगाने के लिए इस पवित्र चंदन को प्रस्तुत किया है। भक्ति से संतुष्ट भगवान आप इन्हें पाकर कृपा कर स्वीकार करें। इस प्रकार चंदन आदि सुगंधित पदार्थ एवं माला आदि समर्पण करके पूजन करने का विधान है। कर्म में श्रद्धा रखने वाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना करके ये कहते हुए पुष्पांजलि दे। अच्युत ये समयानुसार जल में तथा स्थल में उपलब्ध होने वाले पवित्र पुष्प हैं। संसार से मेरा उद्धार हो जाए इसलिए ये पुष्प आप स्वीकार कीजिए स्वीकार कीजिए। इस प्रकार मेरे भागवत संप्रदायोक्त विधि का पालन करते हुए मेरी अर्चना करने के पश्चात मुझे सुगंधित द्रव्यों से बना हुआ धूप देना चाहिए। धूप से मुझे बहुत प्रेम है, इसके प्रदान से दाता के मातृ पितृ कुलों की आत्मा पवित्र हो जाती है। विधि के साथ धूप लेकर ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव ये है, भगवान ये दिव्य धूप बहुत से सुगंधित द्रव्यों से संपन्न है, इसमें वनस्पति का रस भी समन्वित है। जन्म मृत्यु से मुझे मोक्ष मिल जाए इसलिए मैं आपको ये धूप निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। भगवान संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के लिए शांति सुलभ हो, मैं भी सदा शांति से संपन्न रहूँ। ज्ञानियों की योग भावमयी शांति से आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगतगुरु आपकी अतिरिक्त इस संसार सागर में मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार माला चंदन अनुलेपन आदि सामग्रियों से पूजा करके रेशमी वस्त्र स्वच्छ वस्त्र उसको जिसका कुछ भाग पीले रंग का हो निवेदित करना चाहिए। ऐसी अभ्यर्चना करने के उपरांत सिर पर अंजलि बांधे हुए इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र का भाव ये है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती है, आपका विग्रह आनंदमय है, आप ही सबके रक्षक रचिता और अधिष्ठाता हैं। प्रभु आप यदि आप आदि पुरुष हैं, आपका रूप सर्वथा दुर्दश है दुर्जयी है। आपके दिव्य अंगों को आच्छादित करने के लिए ये रेशमी वस्त्र जो कुछ पीले रंग से सुशोभित एवं मनोहर है मैं अर्पण करता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। देवी फिर मुझे वस्त्रों से विभूषित कर हाथ में एक पुष्प ले और उससे आसन की कल्पना कर मुझे अर्पण करे। वस्त्र मेरे विग्रह के अनुसार होना चाहिए। पूजा करते समय प्रणव धर्म एवं पुण्यमय विचार से पूजन को संपन्न करना चाहिए। आसन अर्पण करने के मंत्र का भाव ये है, भगवान आप ये आसन बैठने के योग्य आपकी प्रीति को उत्पन्न करने वाला प्राज्ञ की रक्षा में उपयुक्त प्राणियों के लिए श्रेयोवह आप
आपके योग्य एवं सत्य स्वरूप हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार सालद्य नैवेद्य आदि पदार्थ को अर्पण कर मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष यथाशीघ्र कल्पित मुख प्रक्षालन देने के लिए उद्यत हो जाए, पुनः पवित्र होकर देवताओं के लिए स्तुति करे। आप सभी लोग भगवत परायण हो, फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे। यो भगवान को नैवेद्य अर्पण करके शेष प्रसाद हटा दे। इसके उपरांत हाथ में तांबुल लेकर ये मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव ये है, जगत प्रभो ये तांबुल और संपूर्ण सुगंधित युक्त पदार्थों से संयुक्त है, देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से ये अलंकार का कार्य देता है, आप इसे स्वीकार करें। साथ ही आपकी प्रतिमा के प्रभाव से हमारा भगवान भवन विशिष्ट हो जाए। भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने श्रीमुख में ये श्रेष्ठ अलंकार अर्पण किया है, इससे मुख की शोभा बढ़ती है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। मेरा भक्त इस उपचार से मेरी आराधना करे, इसके परिणाम स्वरूप ये सदा वह सदा मेरे भगवान महान लोक को प्राप्त कर वह नित्य निवास करता है। अध्याय 118 समाप्त। श्री हरि के भोज्य पदार्थ एवं भोजन ध्यान के नियम। पृथ्वी ने कहा, माधव में आपके मुखारविंद से पूजन की विधि का श्रवण कर चुकी, निश्चय ही इस कर्म पूजा में संसार से मुक्ति देने वाली देने की सामर्थ्य है। भगवान अब मैं आपसे आपकी पूजा विधि एवं द्रव्यों के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, बताने की कृपा करें। भगवान वराह बोले, वसुंधरे जिस विधि से पूजा की वस्तु मुझको अर्पित करनी चाहिए अब वह बताता हूँ, सुनो। सात प्रकार के अन्नों को लेकर उसमें दूध का मिश्रित करें, साथ ही मुझे मधु और उदुम्बर आदि के साक भी प्रिय हैं। माधवी अब मेरे योग्य जो धान्य है उसे कहता हूँ, अच्छे गंध से युक्त धर्मचिल्लिक नामक साक और लाल धान का चावल तथा अन्य उत्तम स्वादिष्ट चावल मुझे प्रिय है। उत्तम कुमकुम और मधु भी मुझे प्रिय है, कुडकुम और मधु भी मुझे प्रिय है, आमोदा शिव सुंदरी शीरीष और आकुल संज्ञक दान के चावल भी मेरे लिए उपयुक्त है। यव से बने अनेक प्रकार के अन्न तथा साग भी मेरे पूजन में उपयुक्त होते हैं। मूंग उड़द तिल कंगनी कुल्थी गेहूँ सावा ये सभी मुझे प्रिय है। जब ब्रह्म यज्ञ विस्तृत रूप से चल रहा हो, उस वेद के पराग्रामी विद्वान यज्ञ करा रहे हो, उस समय मेरी प्रसन्नता के लिए ये वस्तु मुझे अर्पण करनी चाहिए। यज्ञ में बकरी भैंस आदि पशुओं का दूध दही और द्रुत सर्वथा निषिद्ध है। वसुंधरा मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में जो वस्तु योग्य हैं उन्हें मैंने बता दिया। मेरे भक्तों को सुख देने वाले उक्त पदार्थ भोज्य एवं कल्याणप्रद है। वसुंधरे जिसे उत्तम सिद्धि पाने की इच्छा हो उसे इस प्रकार मेरा यजन करना चाहिए। इस विधि के जो यजन करेंगे वे कर्म में कुशल पुरुष मेरी परम सिद्धि पाने के पूर्ण अधिकारी होंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे मेरा उपासक इंद्रियों को वश में रखकर जो कुछ अन्न उपलब्ध हो उसे ग्रहण करे। पामिनी में नीचे ऊपर इधर उधर दिशाओं और विदिशाओं में तथा सभी जीवों में सर्वत्र विराजमान हूँ, अतः एवं जिससे परम गति पाने की इच्छा हो उसे चाहिए कि वे सब प्रकार से सभी प्राणियों को मेरा ही रूप जानकर उसकी वंदना करे। प्रातःकाल एक अंजलि जल लेकर पूर्वाभिमुख हो मेरी उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण ये मंत्र जपना चाहिए। उसे ये भावना करनी चाहिए कि जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ हैं, जिनकी ईशान संज्ञा है और जो आदि पुरुष है, जो स्वभावतः ही कृपालु है, उन भगवान नारायण का हम संसार से अपने उद्धार के लिए यजन करते हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिमा में मुख होकर फिर अंजलि भर जल हाथ में ले, साथ ही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र पढ़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान आप जिस प्रकार सर्वप्रथम संसार की सृष्टि करने वाले हैं, पुराण पुरुष हैं और परम विभूति है, वैसे ही आप यदि आप आदि पुरुष के अनेक रूप भी हैं। आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता, इस प्रकार अनंत रूप से विराजने वाले आप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उसी समय से पुनः एक अंजलि जल हाथ में ले और उत्तराभिमुख होकर खड़ा होकर ओम नमो नारायण कहकर उस मंत्र का उच्चारण करें। जो परम दिव्य
पुराण पुरुष है आदि मध्य और अंत से जिनकी सत्ता काम करती है, जिनके अनंत रूप है, जो संसार को उपलब्ध करते उत्पन्न करते तथा जो शांत स्वरूप है संसार से मुक्त करने के लिए, जो अद्वितीय पुरुष है, उन जगत सृष्टा प्रभु का हम यजन करते हैं। इसके पश्चात अब उसी समय से दक्षिणाभिमुख होकर ओम नमो पुरुषोत्तमाय ये मंत्र पढ़कर ऐसी धारणा करनी चाहिए कि जो यज्ञ पुरुष हैं एवं जिनके आनंद रूप है सत्य और रुक्त, जिनकी अनादि काल से संज्ञा है, जो अनादि स्वरूप काल है तथा समयानुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं, उन प्रभु को संसार से मुक्त होने के लिए हम भजन करते हैं। तदनंतर काष्ठ की भांति अपने शरीर को निश्चल बनाकर इंद्रियों को वश में करते हुए मन को भगवान में लगाकर इस प्रकार धारणा करें, भगवान सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र है, कमल के समान आपकी आँखें हैं, जगत में आपकी प्रधानता है, आप त्रिलोक के स्वामी है, तीनों लोकों से उद्धार करना आपका स्वभाव है, ऐसे समारस पीने वाले आप प्रभु का हम यजन करते हैं। वसुंधरे, यदि उत्तम गति पाने की इच्छा हो तो साधक को तीन संध्याओं में बुद्धि, युक्ति और मति की सहायता लेकर इसी प्रकार से मेरी उपासना करनी चाहिए। यह प्रसंग गोपनीयों में परम गोपनीय, योगियों की परम निधि, सांख्यों का परम तत्व और कर्मों में उत्तम कर्म है। देवी, मूर्ख, कुपण और दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, किंतु जो दीक्षित उत्तम शिष्य एवं दृढ़वर्ती है उसे ही इसे बताना उचित है। मुझे विष्णु के मुखारविंद से निकला हुआ ये गुहर तत्व मरणकाल उपस्थित होने पर भी बुद्धि में धारण करने योग्य है, इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जो प्रातःकाल उठकर सदा उसका पाठ करता है वह दृढ़व्रती पुरुष मेरे लोक में स्थान पाने का अधिकारी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में कर्म का संपादन करता है वह इन योनियों में कभी नहीं पड़ता। अध्याय 119-120 फिनिश। मुक्ति के साधक साधन। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब जिस कर्म के प्रभाव से प्राणियों को पुनः गर्भ में नहीं जाना पड़ता उसे बताता हूँ, तुम सुनो। ये संपूर्ण शास्त्र एवं धर्मों का निचोड़ है, जो बड़ा से बड़ा कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और जो सदा शुद्ध अंतकरण से शास्त्रीय सत्कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है वह उन सत्कर्मों के प्रभाव से भी पुनः जन्म नहीं पाता। जो मेरा सामर्थ्यशाली भक्त होकर सब पर कृपा करता है तथा कार्य और अकार्य के विषय में जिसे पूर्ण ज्ञान है एवं जिसकी संपूर्ण धर्मों में श्रद्धा है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जो सर्दी, गर्मी, वात, वर्षा और भूख प्यास को सहता है, जो गरीब होने पर भी लोभ, मोह एवं आलस्य से दूर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहता है, दूसरे की स्त्रियों से दूर रहता है तथा जो सत्यवादी, पवित्र आत्मा एवं निरंतर भगवान का प्रिय भक्त है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो समित भाग मतलब बांट कर खाता है, जो ब्राह्मणों का भक्त है और जो सबसे मधुरवाणी बोलता है वह कुत्सित योनियों में न जाकर मेरे लोक का अधिकारी होता है। वसुंधरे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बताता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से मेरी निरंतर उपासना करने वाला पुरुष विकृत योनियों में नहीं जाता, जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और जो मन, कर्म, वचन से पवित्र है वह विकृत योनियों में नहीं पड़ता, जिसके मन में सदा सर्वत्र समता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है, जो बाल्यकाल में भी शांत स्वभाव से रहने वाला इंद्रिय विजयी और सदा शुभ कार्य में रत रहता है उसे नीच योनि नहीं प्राप्त होती, जो दूसरे द्वारा किए अपकारों पर कभी किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देता, जिसे सदा कर्तव्य कर्म ही स्मूर्त रहते हैं और जो सब कुछ यथार्थ बोलता है वह नीच योनियों में नहीं पड़ता, जो व्यर्थ बातों से सदा दूर रहता है, जिसकी तत्व ज्ञान में अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्ति में तत्पर रहकर परोक्ष में भी कभी किसी की निंदा नहीं करता उसे इन योनियों में नहीं जाना पड़ता। भद्रे, जो ऋतुकाल में ही संतान प्राप्ति की इच्छा से अपनी स्त्री से सहवास करता और सदा मेरी उपासना में लगा रहता है वह साधक हीन योनि में नहीं जाता,
वसुंधरे, अब एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। जो सदा संयत रहने वाला पुरुषों का धर्म है और जिसको मनु, अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंख, शंख लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्निदेव, पवनदेव, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, सांडिल्य मुनि, पुलस्त्य, आदित्य, पितृगण और स्वयंभू ब्रह्मा आदि वेद धर्म दृष्टाओं ने पृथक पृथक रूपों से देखा और वर्णन किया है। उस धर्म के पालन में जो मनुष्य निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने आप में परमात्मा को देखता है, वह विकृत योनियों में न जाकर मेरे लोक में आने का अधिकारी है। जो अपने धर्म का पालन करता है तथा अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक बोलता है, दूसरे की निंदा से दूर रहता है, संपूर्ण धर्मों में जिनकी निश्चित बुद्धि रहती है, जो दूसरे के धर्मों की निंदा नहीं करता था, जो अपने धार्मिक मार्ग पर अटल रहता है, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त एवं मेरे कर्मों का संपादन करने वाला पुरुष विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। जिनकी इंद्रिया वश में, जिन्होंने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण कर रख लिया है, जो लोभ और मोह से सदा दूर रहते हैं, जो विश्व के उपकार में तत्पर हैं, जो देवता, अतिथि तथा गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जो कभी किसी की हिंसा नहीं करते, मदमास का कभी सेवन नहीं करते, जो अनुचित भाव बंधन करने की चेष्टा नहीं करते, जो ब्राह्मणों को कपिला धेनु का दान करते हैं, ऐसे धर्म से युक्त पुरुष गर्भ में नहीं पड़ते, वे मेरे लोक को ही प्राप्त होते हैं। जो अपने सभी पुत्रों के प्रति समान भाव रखता है, क्रोध में भरे हुए ब्राह्मण को देखकर भी उसे प्रसन्न करने की ही चेष्टा करता है, जो भक्तिपूर्वक कपिला गौ का स्पर्श करता है, जो कुमारी कन्या के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं करता, जो कभी अग्नि का उल्लंघन नहीं करता, जो जल में शौच नहीं करता एवं गुरु में श्रद्धा बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वर की कभी निंदा नहीं करता, उस प्रकार का धर्म में तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माता के गर्भ में न जाकर मेरे ही लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 121 समाप्त। कोकामुख तीर्थ मतलब वराह क्षेत्र का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं तब तुम्हें गोपनियों में भी एक परम गोपनीय रहस्य बताता हूँ, जिसके प्रभाव से पशु योनि में गए हुए प्राणी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसे तुम ध्यान से सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी दिशि में स्त्री संगम नहीं करता तथा दूसरे के अन्न को खाकर उसकी निंदा नहीं करता, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। बालकाल में भी जो सदा मेरे व्रत का पालन करता है, जो जिस किसी प्रकार से भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता पिता की पूजा करता है, वह मेरे लोक में जाता है। जो परिश्रम से भी प्राप्त सामग्री को बांटकर खाता पीता है, जो गुणी दाता तथा संयत भोक्ता है तथा जो सभी कर्तव्य कर्मों में स्वतः लगा रहता है एवं अपने मन को सदा वश में किए रहता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो कुत्सित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, समर्थ होकर भी जो संपूर्ण प्राणियों पर क्षमा दया करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो निष्प्रूह रहकर दूसरों की संपत्ति के प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोक में जाता है। वरारोह एक गोपनीय विषय जो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य एवं दुर्जय है, उसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन चार प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करता, जो पवित्र आत्मा एवं दयाशील है और जो कोकामुख नामक तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपा दृष्टि से वह कभी वियुक्त नहीं होता। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी शिष्या दासी और आप में अटल श्रद्धा रखने वाली हूँ। आप में भक्ति रखने के बल पर आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, अट्टहास्य तीर्थ, भद्रकर्णस्य द्विरंकुंड, मुकुट मंडल, मंगलेश्वर, केदार क्षेत्र, दारुकावन, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुब्जा, मेश्वर, एक लिंग, ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों स्थानों को छोड़कर आप कोकामुख तीर्थ क्षेत्र की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान वराह बोले, भीरु, तुम्हारा कहना ठीक है। बात ऐसी है कि कोकामुख मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अब कोकामुख क्षेत्र जिन कारणों से अधिक प्रिय है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने जिस क्षेत्रों का वर्णन किया है, वे सभी भगवान रुद्र से संबंध रखने वाले पाशुपत तीर्थ हैं, जिन्हें पाशुपत क्षेत्र कहते हैं, किंतु ये कोकामुख क्षेत्र मुझे श्रीहरि का है। वराहने, इसी विषय में मैं तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान बताता हूँ। उसमें कोकामुख क्षेत्र की प्रसिद्धि का हेतु सन्निहित है।
एक बार इस कोकामुक्त क्षेत्र में मांस के लोभ में एक व्याघ्र घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर व्याघ्र ने तुरंत ही बंसी मतलब कटिया से उसे बाहर खींच लिया। तथापि वह बलवान मत्स्य उसके हाथ से तुरंत निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि जो आकाश में चक्कर लगा रहा था उस मत्स्य पर पड़ी और वह उसको पकड़ने के लिए नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ चला। परंतु वह भी उसके बोझ को न संभल सका और उसी मछली के साथ ही उसी कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ा। किंतु आश्चर्य, वह गिरते ही उस तीर्थ के प्रभाव से रूप गुण एवं वय से युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणित हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याघ्र की स्त्री भी मांस लिए हुए वहां आ जा पहुंची। इतने में ही मांस के लिए ललायत रहने वाली एक मादा चील भी उसके हाथ से मांस छीनने के लिए आई, जो मांस छीनने के लिए बार बार झपटा मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याघ्र ने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। तदनंतर उस चील ने चंद्रपुर नामक नगर में सुंदरी राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ती गई और सनी सनी रूप गुण अवस्था एवं सभी 64 कलाओं के ज्ञान से संपन्न हो गई। परंतु वह पुरुषों की सदा निंदा करती। उसे रूपवान गुणवान सुरवी तथा सौम्य स्वभाव के पुरुषों की चर्चा भी अच्छी न लगती थी और वह उनकी भी निंदा किया करती थी। युति होने पर उसका आनंदपुर नगर के एक सक जाति के पुरुष के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए साथ रहने लगे। फिर वे परस्पर प्रेम में संबंध में इस प्रकार बंध गए कि एक मुहूर्त भी कोई किसी को छोड़ना न चाहता था। अब वही कन्या अत्यंत नम्र होकर अपने स्वामी की सब प्रकार की सेवा करने लगी। एक दिन मध्याह्न के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सा में लगे किंतु उनकी शिरोव्यथा दूर न हो सकी। अन्य मंत्र यंत्र भी विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जाने के बाद एक दिन उस राजकुमारी ने अपने स्वामी से ये जिज्ञासा की, प्रभु आपके सिर में जो ये वेदना है ये क्या और कैसे है? यदि मुझ पर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। अनेक कुशल वैद्य आपका उपचार कर रहे हैं पर उन्हें वेदना दूर करने में सफलता नहीं मिलती। इस पर राजकुमार ने कहा, भद्रे क्या तुम ये भूल गई कि ये मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है। ये मनुष्य शरीर रोग और दुखों से ही भरा है। संसार रूपी सागर में पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार बार ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमार के ऐसा कहने पर उस राजकन्या ने मन में उत्सुकता अब और बढ़ गई। कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्री ने अत्यंत आग्रहपूर्वक उस प्रश्न को राजकुमार से पूछा। इस पर सक नरेश ने अपनी भारिया से कहा, भद्रे तुम इस मानुषी भाव का त्याग करो और अपने पूर्वजन्म की बातें स्मरण करो, अथवा यदि तुम्हें पूर्वजन्म की बातें जाननी हो तो कल्याणी तुम चलकर मेरे माता पिता को प्रसन्न करो। तुम उनकी पूजा करो क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोकामुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निस्संदेह ये प्रसंग सुनाऊंगा। अनिंदिते, अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारा वृत्तांत मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। तदनंतर वह राजकुमारी अपने सास और ससुर के सामने गई और उनके चरण में पड़कर बोली, मुझे आप दोनों से कुछ निवेदित करना है। मैं इस विषय में आप लोगों से अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि हम दोनों स्त्री पुरुष आपकी आज्ञा से पवित्र कोकामुख नामक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्य की गरिमा को देखकर आप हम लोगों को रोके नहीं। आज तक मैंने कभी कुछ भी आप लोगों से नहीं मांगा है। ये प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आए हैं, अतः आप लोग मेरी इस याचना को पूर्ण करने की कृपा करें। समस्या ये है कि आपके ये कुमार निरंतर सिर की वेदना से पीड़ित रहते हैं और
दोपहर के समय में तो ये मृतक के तुल्य हो जाते हैं, कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख सुख भोगों को छोड़कर सदा पीड़ा से दुखी रहते हैं। इसका ये दुख कोकामुख क्षेत्र में गए बिना दूर होने का नहीं है। इस समय सक जातियों के अध्यक्ष उन नरेश ने पुत्रवधु की बात सुनकर अपने हाथ से पुत्र एवं पुत्रवधु के सिर को सहलाकर कहा, पुत्रा, कोकामुख क्षेत्र में जाने का बात तुम लोगों के मन में कैसे आई? हाथी घोड़े सवारी अप्सराओं की तुलना करने वाली स्त्रियां कोसवर रत्न भंडार तथा सात अंगों सहित हमारी ये संपूर्ण राज्य संपत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन है। तुम इस सब को ले लो। सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्हारे ही सादस तुम ही में सदा बसे रहते हैं। तुम कोका मुख क्षेत्र मत जाओ। पिता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार ने उनके चरण पकड़ लिए और नम्रतापूर्वक कहने लगा, पिताजी, राजकोष सवारी अथवा सेना से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो सभी अभी इस कोकामुख क्षेत्र में ही जाना चाहता हूँ। मैं सिर की वेदना से नितांत पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा तब राज्य सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर इस पीड़ा से मुक्ति तो मुझे वहाँ जाने से मिलेगी। अंत में शक नरेश ने पुत्र की बात पर विचार करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब राजकुमार ने कोकामुख की यात्रा आरंभ की तो उसके साथ बहुत से व्यापारी वर्ग और नागरिक स्त्री पुरुष भी चल पड़े। बहुत समय के बाद वे सभी इस कोकामुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपने स्वामी से ये वचन कहे, स्वामिन, आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था उस समय आपने मुझे कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर बताने का आश्वासन दिया था, अतः अब बताने की कृपा कीजिए। इस पर राजकुमार ने अपनी भार्या से स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय, अब रात्रि हो गई है, इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। अब वह सब मैं प्रातःकाल बताऊंगा। प्रातःकाल वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमार ने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अपने मत्स्य देह की पड़ी अस्थियों को देख दिखाकर कहने लगा, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की हड्डियां हैं। पूर्व जन्म में मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस कोकामुख क्षेत्र के जल में विचर रहा था कि एक व्याघ्र ने बंसी से मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगाकर उससे हाथ से तो निकल गया, पर एक चिल मुझे लेकर फिर उड़ गए और नखों से मेरे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। इतने में उससे छुटकर मैं गिर पड़ा। उसी के किए हुए प्रहार के कारण अब भी मेरे सिर में वेदना बनी रहती है। इस प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ। मेरे बिना इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात पूछी थी मैंने उसका रहस्य बता दिया। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा मन जहां लगे वहां जा सकती हो। वसुंधरे, अब राजकुमारी भी करुण स्वर में अपने पति से कहने लगी, भद्र, इस कारण में भी अपनी गुप्त बात आपको नहीं बता सकी थी। पूर्व जन्म में मैं जैसी जो कुछ थी अब वह आपसे बताता हूं बतलाती हूं, आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली एक चील थी। भूख और प्यास से मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। खाने के योग्य पदार्थ का अन्वेषण करती हुई मैं एक पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक व्याघ्र दिखाई दिया। वह वन के बहुत से पशुओं को मारकर उनके मांसों को लेकर उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह भी भूख से व्याकुल था। मांस भार को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने निकला। काष्ठों को एकत्र कर वह आग जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपटकर अपने वज्रमयी कठोर नखों से उस मांस पिंड को उठा लिया। पर वह मांस भार मेरे लिए दुर्वह था, अतः उसे दूर न ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रही।
इधर वह व्याघ्र शिकार की खोज में लगा ही था, अब उसकी दृष्टि मांस खाती हुई मुझ चील पर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण का संधान कर मार गिराया। मैं वहां से लटक कर चक्कर काटती हुई प्राणहीन और निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिरी और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र की महिमा से मेरे मन में कोई कामना न रहने पर भी मेरा जन्म राजा के घर हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ये हड्डियाँ हैं, अब इनका थोड़ा सा भाग ही अवशेष है। इस कोकामुख तीर्थ की ही ये महिमा है जिसके फलस्वरूप त्रियक मतलब तिरछी चलने या उड़ने वाले योनि के जीव का भी उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार ने भी साधु साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया, साथ ही उसे उस क्षेत्र में होने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारी ने संपन्न किया। अन्य लोगों ने भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। उस समय उस दंपत्ति ने प्रसन्नता से आदरपूर्वक ब्राह्मणों को यथोचित द्रव्य अन्न और रत्न भी दिए। वसुंधरे उस समय अन्य भी जितने लोग वहाँ आए थे उन सब ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वयं व्रत का पालन करते हुए भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों तक वहीं रुके और इसके फलस्वरूप वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। उस पुण्यमय धाम में पहुंचने पर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सुशोभित प्रकाशित होने लगे। वहां रहने वाली स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक आभूषणों से आभूषित होकर रूप तेज एवं सत्व से युक्त होकर प्रकाशित होने लगी। देवी, ये मैंने तुमसे कुकामुख क्षेत्र की महिमा बताई जहाँ मत्स्य और चील आदि कामना मुक्त जीवों ने भी उत्तम गति प्राप्त की थी, जिसे चंद्रायन व्रत करने, जल में शयन करने तथा भगवत धर्मों का आचरण करने वाले भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। फिर वहाँ राजकुमार और राजकुमारी इन दोनों व्यक्तियों ने बहुत से उत्तम धान्य और रत्न दान किए। अन्य श्रद्धालु व्यक्तियों ने भी धर्माचरण कर प्रारब्ध के अनुसार वांछनीय मृत्यु प्राप्त की और उन्हें श्वेतद्वीप सुलभ हो गया। वह राजकुमार भी मनुष्य लोक के सभी श्रेष्ठ भोगों को भोगकर सबसे उत्तम मेरे लोक को प्राप्त हुआ। सुमध्य में वहाँ की सभी सुवासिनी स्त्रियाँ भी माया के प्रभाव से मुक्त हो गई। सब पर धर्म तथा मेरी भक्ति भावना की गहरी छाप पड़ गई थी। मेरी कृपा से वे सब श्वेतद्वीप पहुंची। वह प्रसंग धर्म कीर्ति शक्ति और महान यश का उन्नायक है। ये सभी तपस्याओं में महान तप, आख्यानों में उत्तम आख्यान, कृतियों में सर्वोत्तम कृति तथा धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। भद्रे, जो क्रोधी, मूर्ख, कुपण, अभक्त, अश्रद्धालु तथा सट व्यक्ति हैं, उन्हें ये प्रसंग नहीं सुनाना चाहिए। जो दीक्षित तथा सद विचारशील है वह प्रसंग उन्हें ही सुनाना चाहिए। जो शास्त्र पारागामी पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होने पर मन को सावधान करके इस प्रसंग को मन में धारण करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो इस विधि के अनुसार कोकामुख क्षेत्र में जाकर संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह भी उस परम सिद्धि को पा लेता है जिसे पूर्वकाल में चील और मत्स्य ने प्राप्त किया था। अध्याय 122 समाप्त।